हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में बेंजो को कैसे ट्यून करना है उसके बारे में बेंजो ट्यूटोरियल है। तो इस ट्यूटोरियल का बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि बेंजो को हर स्केल से ट्यून कैसे किया जाता, तो आज की वीडियो में इसका कम्प्लीटली ट्यूटोरियल है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर तो लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली पता चल जाएगा कि कौन से स्केल पर कहाँ बेंजो ट्यून करना है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मेरा बेंजो ट्यून है सफेद एक पर, यानी कि सी। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मेरा ओपन तार सी पर रहता है, हमेशा बेंजो का सी पर ओपन तार रहता है। और सा बनाता हूँ मैं ये छठे नंबर की चाबी को, यानी कि एफ को। सी को जोड़ेंगे तो छठे नंबर की चाबी जो कि एफ, उसको मैं सा बनाता हूँ, है ना, हमेशा ये वाली। यहाँ से मैं सा बनाता हूँ हमेशा हर वीडियो में। ओपन तार ये वाला है सी, यानी कि सफेद एक। उसके बाद में यदि अपने बेंजो को काली एक पे ट्यून करना है ना, तो इसको अपन को सा बनाना है, यहाँ पे लाना है ना, इस स्केल को यहाँ पे लाना है काली एक पे ट्यून करना हो। तो इसके लिए अपने को बेंजो का ओपन तार जी फ्लैट पे ट्यून करना पड़ेगा, यानी कि काली चार को, ये वाली, है ना। तो इसके मंद्र सप्तक में आपको इसका स्वर लेना है, ये वाला। तो आइए काली एक को ट्यून करके देखते हैं। ओपन तार जी फ्लैट उतारना अभी इसको, ओके। तो देखिए अभी काली एक बन चुका है, ये वाला पांचवें नंबर की चाबी अपनी सा काली एक पे ट्यून हो जाएगी। उसके बाद में ये तो काली एक बन गई पांचवें नंबर की चाबी, और अभी काली तीन यदि बनाना हो, ये वाली है ना काली तीन, तो ये दसवें नंबर की चाबी बेंजो की, ये काली तीन भी बन जाएगी, है ना। अधिकतर हर बेंजो प्लेयर क्या करते हैं, काली एक इसको बनाते हैं और काली तीन इस वाली चाबी को काली तीन बनाते हैं, और काली दो इस वाली चाबी को बनाते हैं, और काली चार इस वाली चाबी को बनाते हैं, और काली पांच बनाने के लिए इस चाबी को काली तीन बनाते हैं और ये वाली चाबी काली पांच बनाते हैं, है ना। तो ये है बेंजो का एल्गोरिथम। एक यहाँ पर बनेगी तो काली तीन यहाँ पर बनेगी बेंजो की, काली दो यहाँ पे बनेगी तो काली चार बेंजो का यहाँ पे बनेगा, काली पांच बनाने के लिए बेंजो को काली तीन पर यहाँ ट्यून करना पड़ेगा, तब जाके काली पांच यहाँ पर बेंजो पे बजेगा। तो देखिए अभी तो काली एक पे ट्यून किया है ना, ओपन तार जी फ्लैट ये वाला। मैंने यहाँ पर पियानो के स्केल होन लिख के रखे हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। ओके, काली एक कंप्लीट। यदि अब अपने को काली एक से हल्का सा स्वर ऊपर बेंजो को ट्यून करना है तो उसको डी बोलते हैं, तो उसका ओपन तार रहेगा ये वाला, उसका ओपन तार रहेगा ए, है ना। यदि ओपन तार यदि बेंजो का ए पर ट्यून होगा तो ये बन जाएगा डेड, यानी कि काली एक के ऊपर हल्का सा सफेद दो। तो ये यहाँ पर भी ट्यून हो गया। अब यहाँ से भी अपन कोई से भी सॉन्ग बजा सकते हैं। उसके बाद में काली दो से बेंजो ट्यून करना है, तो ये वाला काली दो है, यानी कि ई फ्लैट। तो अभी बेंजो अपना उतरा हुआ है, बेंजो के पांचवें नंबर की चाबी अपन इसको सा मानते हैं, तो ये अभी ऊपर जा रहा है, यानी कि एक स्वर ऊपर, तो इसको और चढ़ाना है। तो इसका ओपन क्या रहेगा, ओपन रहेगा इसका बी फ्लैट ये वाला। ओपन तार बी फ्लैट पर ट्यून करेंगे तब जाके काली दो बनेगा। अब बेंजो अपना ट्यून है काली दो पर। बेंजो पे काली दो बनाने के लिए मंद सप्तक की काली पांच को ओपन तार बनाना है, तब जाके अपने बेंजो की चाबी काली दो बन जाएगी ये वाली। इसी तरह ये आगे बढ़ता जाएगा। यदि बेंजो को हल्का सा और चढ़ाना है तो इसका ओपन बनेगा ये वाला, यानी कि बी, ये बी फ्लैट है, उसके बाद में बी ये वाला।
मैं मंत्र सप्तक में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेंजो को जब भी ट्यून किया जाए तो मंत्र सप्तक से ही ट्यून किया जाता है, क्योंकि यदि ऊपर के स्वरों से तार सप्तक के या मध्य सप्तक के स्वरों से ट्यून करते हैं तो अच्छे से ट्यूनिंग नहीं होता है, इसलिए मंत्र सप्तक का यूज करना चाहिए जब भी बेंजो ट्यून करे, है ना। ई तो इसको ट्यून करने के लिए अपने को ओपन तार बनाना है, यानी कि बी ये वाला है ना, इसको ओपन तार बनाना है। पांचवें नंबर की चाबी अपने को यहाँ पे आ चुकी है, उसके बाद में यदि एफ पर अपने को बेंजो को ट्यून करना है तो इसका ओपन तार रहेगा सी, जो कि मैं हमेशा अपने बेंजो का सी पर ही ट्यून करके रखता हूँ। तो ये पांचवें नंबर की चाबी बन जाएगी एफ। उसके बाद में यदि बेंजो को अपने को काली तीन से मिलाना है तो उसका ओपन तार रहेगा काली एक, है ना, इसका ओपन तार रहेगा काली एक। तो अधिकतर बेंजो प्लेयर का तार टूट जाता है काली तीन पर बेंजो ट्यून करते टाइम, तो क्या करना है आपको, काली एक को यहाँ पर बनाना है ना। मैंने बताया था आपको कि काली एक यहाँ बनाना है और काली तीन यहाँ पर बन जाएगा, जो दसवें नंबर की चाबी बेंजो की, वहाँ पर काली तीन बन जाएगा। यदि आपके बेंजो को तार नहीं टूटे तो आप काली तीन यहाँ से बना सकते हैं, और यदि तार टूट जाए तो काली तीन आपको यहीं से बनाना है दसवें नंबर की चाबी को। और 31 की वाले जो बेंजो हैं वो डी फ्लैट पर नहीं चढ़ेंगे क्योंकि तार टूट जाएगा, क्योंकि इसके लिए आपको 29 की का यदि आपके पास बेंजो हो तो आप डी फ्लैट पर ट्यून कर सकते हैं। अभी मैं आपको ट्यून करके बताता हूँ कि काली एक यहाँ बनाना है और काली तीन यहाँ से बनेगा। तो पांचवें नंबर की चाबी है जो कि काली एक बन चुकी है ना। अब काली तीन बनाना है तो जो दसवें नंबर की चाबी है ये काली तीन बन चुकी है, ओके। अब यहाँ से भी आप सरगमों का रियाज करना, क्योंकि मेन तो दो स्केल होते हैं, एक तो ये वाला पांचवें नंबर की चाबी वाला स्केल और एक दसवें नंबर की चाबी वाला स्केल, ये दोनों स्केल से रियाज होना चाहिए हर बेंजो प्लेयर का। तो काली एक यहाँ से बनी अपने पांचवें नंबर की चाबी, ओपन तार रहेगा जी फ्लैट, और काली तीन बनाने के लिए दसवें नंबर की चाबी को काली तीन बनाएंगे ये वाला, है ना। उसके बाद में यदि आपके बेंजो को काली चार पर ट्यून करना है तो उसका ओपन रहेगा ई फ्लैट, यानी कि काली दो, है ना। तो इसको भी ट्यून करने के लिए आप ओपन तार इसी को माने, क्योंकि काली चार यहाँ पर चढ़ेगा नहीं, तार टूट जाएगा, उसके लिए काली दो इसी को बनाना है और काली चार इसको बनाना है। अभी मैं ट्यून करके आपको बताता हूँ, यानी कि ओपन तार बी फ्लैट को ट्यून करना है और काली दो बनाने के लिए ओपन तार बी फ्लैट ट्यून करना है। ओनली आपको दसवें नंबर की चाबी को सा बनाना पड़ेगा तो काली चार बन जाएगा, और दसवें नंबर की चाबी को ही सा बनाओगे तो काली तीन भी बन जाएगा, और दसवें नंबर की चाबी को ही काली पांच भी बना सकते हैं। उसका मिलाने का तरीका समझिए थोड़ा। ओके, तो ये यहाँ पे ट्यून हो चुका है, यानी कि बी फ्लैट पर। अब काली दो यहाँ बन जाएगा, अब काली चार बन गया ना। वो सारे क्या है, काली चार मिलाने के लिए ओपन तार ई पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं तो तार अपने आप टूट जाएगा, क्योंकि इतना ऊपर बेंजो चढ़ता ही नहीं ना, उसके लिए आपको बेंजो का ओपन तार रखना है बी फ्लैट पर, और काली दो यहाँ बनाना है यानी कि ई फ्लैट, और काली चार बनेगी दसवें नंबर की चाबी को काली चार बनाना है ना। तो ये हो गया काली चार। उसके बाद में काली पांच बेंजो पर कैसे मिलाते हैं, ये वाले बी फ्लैट, उसके लिए आपको ओपन तार सी पर ट्यून करना पड़ेगा। यदि ओपन तार सी पर ट्यून रहेगा, है ना, ये वाला मेरा बेंजो हमेशा सी पर ट्यून रहता है ओपन तार, तो ओपन तार को सी पर ट्यून करना है, और अपना पांचवें नंबर की चाबी का सा बनेगा एफ, है ना, और दसवें नंबर की चाबी बन जाएगी काली पांच ये वाली। तो काली पांच पे अपना बेंजो ट्यून हो चुका है। आपको अभी भी कंफ्यूजन होगा, देखिए काली एक यहाँ पे बनेगी तो काली तीन यहाँ पे बनेगी, काली दो यहाँ पे बनेगी तो काली चार यहाँ पे बनेगी, और काली तीन यहाँ पे बनेगी तो काली पांच यहाँ पर बनेगी, ओके। बस इसका ओपन का याद रखना।
तो आज की वीडियो में मैंने बेंजो के सारे ओपन तार को कहाँ पर ट्यून करना है, काली एक को कैसे मिलाना, काली दो को, काली तीन, काली चार, काली पाँच, इन सबको कैसे ट्यून करना है, उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जो मुझे नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड की है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे बेंजो से रिलेटेड वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए इसी का रियाज कीजिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल सेट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे बेंजो से रिलेटेड वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।